यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया है। सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करते हुए फर्रुखाबाद में बयान दिया। सीएम योगी ने अपने बयान में कहा कि कई जिलों में बाढ़ तो कई जिले सूखे से प्रभावित है। करीब 500 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर विवादों में हैं। ताजा मामले में उन्होंने हिंदू धर्म पर आपत्तिजनक बयान देकर सनसनी फैला दी है। इसको लेकर हिंदू धर्म मानने वालों की प्रतिक्रिया आना तय है। हिंदू धर्म को लेकर यह आपत्तिजनक टिप्पणी स्वामी प्रसाद मौर्य ने अर्जक संघ के संस्थापक महामना राम स्वरूप वर्मा जी के जयंती शताब्दी समारोह लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थिति प्रबुद्ध जनों को संबोधित करने के दौरान दिया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से एक मामला सामने आया है जिसे मात्र सुनकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और अगर आपने इस घटना का वीडियो देख लिया तो शायद आपको नींद ना आए। यह एक कमरे में बैठी महिला के पैर पर 3 घंटे तक किंग कोबरा सांप लिपट गया। इस दौरान महिला भगवान शिव की आराधना करती रही। बाद में पुलिस ने सपेरे को बुलाकर महिला की जान बचाई है। मायावती ने सोमवार को मीडिया को लेकर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बीएसपी प्रमुख के साथ खिलवाड़ होने को लेकर अपनी बात कही है। 3 भागों में किए गए अपने ट्वीट के पहले भाग में उन्होंने कहा कि मीडिया में जातिवाद मानसिकता वाले एक वर्ग द्वारा व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में कमजोर और उपेक्षित वर्गों को उनका संवैधानिक हक दिलाकर उन्हें आत्मसम्मान व स्वाभिमान का जीवन दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाली बीएसपी प्रमुख के नाम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां 2 ऑटो चालकों ने घर से भागी 2 किशोरियों को बहला फुसला कर होटल में रेप कर दिया। घटना की जानकारी होने पर पुलिस ने एक आरोपी ऑटो चालक और होटल के मैनेजर को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी ऑटो चालक फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। कानपुर के नौबस्ता की रहने वाली नाबालिग छात्राएं एक ही स्कूल में पढ़ती थी। उत्तर प्रदेश में वेंटिलेटर पर पड़ी कांग्रेस की कमान अब अजय राय के हाथों में है तो पार्टी की दशा और दिशा भी बदलने लगी है। पार्टी हिंदुत्व की राह पर कदम बढ़ा रही है तो साथ ही संगठित ढांचे में भी बदलाव शुरू हो गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनने के 3रे दिन अजय राय ने प्रवक्ताओं और मीडिया पैनलिस्ट की नई टीम गठित की है, जिसमें पुराने नेताओं की छुट्टी कर नए चेहरे को जगह दी गई। राय से पहले बृजलाल खाबरी 10 महीने तक अध्यक्ष रहे लेकिन अपनी टीम नहीं बना सके। कांग्रेस प्रदेश संगठन पर प्रियंका गांधी के करीबी नेताओं का दबदबा कायम है, जिनके साथ छेड़छाड़ करना जराये के लिए आसान नहीं है। लखनऊ पुलिस ने सोशल मीडिया के माध्यम से नकली नोट की यूपी दिल्ली हरियाणा पंजाब राजस्थान बिहार झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक नकली नोट सप्लाई करने वाले गैंग के 5 सदस्य को पकड़ा है। पुलिस टीम ने इसके पास से 3 लाख रुपए के नकली नोट और बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। यह लोग असली नोट के बदले 5 गुनी कीमत के नकली नोट दे देते थे। पुलिस टीम इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। लखनऊ विश्वविद्यालय के LBS यानी लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास की कमरा नंबर 118 में रविवार की दोपहर प्लास्टर टूटकर छात्र के ऊपर गिर पड़ा, जिससे छात्र के पैर में चोट आई है। छात्र को अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया गया है। LBS के प्रथम तल के कमरे की छत से प्लास्टर गिरने से पीड़ित छात्र के पैर में काफी चोट आई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। राजधानी लखनऊ के गाजीपुर इलाके में रोडवेज की एक घटना सामने आई है। ओवरटेक करने से नाराज कार युवकों ने टैक्सी चालक आकाश कुमार गौतम को जमकर पीटा और उसकी कार का शीशा तोड़ दिया। आरोपी नशे में थे और मारपीट कर भाग निकले। पीड़ित ने शनिवार को कार नंबर के आधार पर केस दर्ज कराया है। सावन का आज आखिरी सोमवार है, ऐसे में देश विदेश के शिव भक्तों का जनसैलाब महादेव की नगरी काशी में उमड़ा है। 2 माह के सावन के 8वें सोमवार यानी कि आखिरी सोमवार को सबसे ज्यादा शिव भक्त काशी पहुंचे हैं। पूरी काशी नगरी में हर हर महादेव का उद्घोष गूंज रहा है। मंदिर के शहर बनारस में बाबा श्री काशी विश्वनाथ सहित तमाम शिवालयों में लाखों कांवड़ियों और शिव भक्त तड़के सुबह से दर्शन पूजन के साथ जलाभिषेक कर रहे हैं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे पब्लिक न्यूज़ टीवी।